गाइस, मैं हूँ रुती ज़ारा। वेलकम टू माय चैनल हीर कलेक्शंस। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सारे आपने टूट के देखे होंगे यूट्यूब पे, इर्द गिर्द सुना होगा ग्लास स्किन गर्ल्स के लिए कि जिस स्किन हमारी ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो ये छोटी सी होम रेमेडी है, इनफैक्ट कि ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल की हुई है। तो ये ग्लास स्किन के लिए जो पोर्स खुले होते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है ग्लैंड्स की वजह से, तो स्किन रफ़ नज़र आती है, बेबी लाइक अपीयरेंस नहीं होती, या आप अपनी स्किन से खुश नहीं है, किसी भी तरह का यानी कि एक्ने का प्रॉब्लम है। तो यकीन करें आप ये एक दफ़ा ट्राई करके देखें, एक दफ़ा मेरी मान के, क्योंकि मैं तो ये हफ्ता 10 दिन के बाद करती रहती हूँ। तो ये मैं चाहती थी मैं आपसे शेयर करूँ काफ़ी अर्से से, तो ये मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसमें चाहिए क्या आपको, तो इसके लिए आपको चाहिए कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले आपने किसी भी जो है अच्छा सा आपने क्लिनज़र ले लेना है, क्लिनजिंग कर लेनी है स्किन को, अच्छे से धो लेना है। उसके बाद ये है सॉफ्ट टच वालों का जो है मड मास्क है, आपने ये अप्लाई करना है। इनफेक्ट मैं लगा के बैठी हुई हूँ इस बात, आपने मड मास्क लगाना है 10 to 15 मिनट्स के लिए, मतलब बड़ा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है गुलाब रोज़ वाटर उसका स्प्रे भी 2-3 दफ़ा कर सकती हैं, स्किन में जज़ब हो जाएगा। अच्छा, इसको लगाने के बाद फिर आपने लगाना है आपने लिप्टन, ऐसे लगाना है आपने कि ये कुछ इस तरह आपने ये रुई बना लेनी है, इस तरह ये वाली चीज़। इसको आपने आइस पे भी रख सकते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेना है इसको, ये बना के आप घर में भी रख सकते हैं। आप एक टी बैग लें और बड़े आराम से इसको फ्रिज में रख दें, इस तरह बना के ग्रीन टी, ये स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है, ये आपकी स्किन के पोर्स बंद कर देती है। और स्किन पे मड मास्क कोई और भी ले सकती हैं, घर का बना हुआ, मतलब जैसे वो आप घर में बना लेती हैं हल्के गुलाब डाल के मुल्तानी मिट्टी टाइप ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसा सच कोई इतना इशू नहीं है। और ग्रीन टी आप लिप्टन की भी यूज़ कर सकती हैं, कोई और भी कर सकती हैं, और ये सब चीज़ें आपको मेरा ख्याल घर मिल जाएंगी। अच्छा, ये पीले नहीं है ग्रीन टी, ये वेट करने के लिए, कम करने के लिए भी अच्छी है। उसके बाद ये एंड पे लास्ट बच जाए तो कुछ इस तरह का बना लेना आपने। इसके बाद ना 10 to 15 मिनट्स के लिए ये अप्लाई करना है बार बार, और जब ड्राई हो जाना स्किन धो लेनी है। लास्ट पे आपने लगानी है एलोवेरा, नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये अच्छे से आपकी स्किन ये जज़ब हो जाए, खुश्क हो जाए, उसको धो लें, आपको खुद फ़र्क फील होगा। और मैं गारंटी देती हूँ आपको ये मेट्रोट का बहुत 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 पसंद आएगा, ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, और इतनी इसके बाद स्किन पे ग्लो आ जाती है, आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाती है, ख़ुद उस पर प्यार आता है। और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होप सो आपको मेरी ये रफ सी वीडियो अच्छी लगी, सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको आजमाया है या नहीं। लड़के भी कर सकते हैं इसको अप्लाई, ये ज़रूरी नहीं कि इसको लड़कियाँ कर सकती हैं, ये किसी भी स्किन के लिए जिसको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है, वो लड़कियों को हो जाता है अक्सर हिजाब में या कुछ इस तरह का मौसम की तब्दीली की वजह से, या ख़ुद लड़कियाँ चाहती हैं कि उनकी स्किन जो बेबी लाइक हो, तो इसको प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।